यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक साबूदाने का दाना बिल्कुल अलग है, कोई भी दाना आपस में नहीं चिपका है। तो बस आप भी इस तरीके से साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ टिप्स मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी, तो उनको आप फॉलो करके एक बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल भी नॉन स्टिकी साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, इसके बाद से आप जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आप सभी जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाते होंगे, कभी कभी वो थोड़ी सी लुटपुटी या मैशी जैसी हो जाती है, दाने आपस में चिपकने लगते हैं, तो बस आज के बाद से ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं निधि, मेरे चैनल होप विद निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये वाले साबूदाने लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने साबूदाने लिए हैं। इनको हम किस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी साबूदाना और ये आधी कटोरी, यानी कि टोटल मैंने डेढ़ कटोरी साबूदाना लिया है एक बड़े बाउल में। उसके बाद हमने पानी डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सा हम रब कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से ये वाइट वाइट जो इसका स्टार्च होता है वो छूटता है। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से रब करके और हमें वॉश करना है। इसे हम 2 से 3 बार वॉश करेंगे। तो एक बार हमने पानी गिरा दिया है, दोबारा फिर से हमने इसमें पानी ऐड किया है। हल्के हाथों से रब करके हम इस तरीके से, और फिर हम ये पानी ऐसे गिरा देंगे। और जब तक आपको लगे कि साबूदाना गंदा लग रहा है तो आप उसको वॉश कर सकते हैं 3 से 4 बार। तो देखिए इस तरीके से हो गया है बिल्कुल। तो अब हमारा साबूदाना जो है वो वॉश हो चुका है, और हमने अब हमें पानी लेना है 1 कटोरी ये, और उसके बाद जितना हमने साबूदाना लिया था बस उतना ही हमें और पानी लेना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल जितना आप साबूदाना ले बस उतना ही पानी लें, उससे भले 1/2 चम्मच कम हो जाए पानी, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये टिप्स आपको ध्यान रखनी होगी, इससे क्या होगा साबूदाना जो है बिल्कुल खिला होगा। तो देखिए उसे हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। अगर आप रात भर नहीं भिगो सकते हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। और देखिए भीगने के बाद ये जो साबूदाना है, आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा अच्छे से ये गल चुका है, मतलब अच्छे से ये भीग गया है। तो देखिए ये देखिए है ना, आप एक दाना इसको मैश करके देख सकते हैं। तो साबूदाना भी भीग गया और दाने भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ हमने 2 पार्ट में इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे अभी इसे 2 बार में बनाना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा भिगोया हुआ था, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो बस अब हमें क्या करना है, गैस ऑन करके हमें एक पैन रखना है, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे घी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है, 1 से 2 छोटा चम्मच आप देसी घी यहाँ पे ऐड कर लें, या आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड कर लें। घी गर्म हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे जीरा ऐड किया है, यानी कि क्यूमिन सीड। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये है मूंगफली के दाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास पहले से भुने हुए नहीं रखे थे, तो मैं इस समय इन्हें भून ले रही हूँ। दाने ये देखिए चिकक चुके हैं अच्छे से, और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है पोटैटो, यानी कि आलू। अगर आपके पास आलू ये बॉयल्ड रखे हो, यानी कि उबले हुए आलू, तो आप उन्हें बाद में ऐड करें, लेकिन मेरे पास बॉयल्ड पोटैटो नहीं थे, तो मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, जिससे कि आलू जल्दी गल जाए। थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, बाकी का नमक हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे आलू के अंदर तक थोड़ा सा नमक भी चला जाएगा, साथ में ये जल्दी गल भी जाएंगे। तो बस अब हमें आलूओं को पकाना है, तो अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे हम पका लेंगे, जिससे कि आलू गल जाएं। अगर आप उबले हुए आलू यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है बाद में ऐड करें। तो देखिए आलू लगभग अच्छे से पक चुका है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है, तो उसी समय हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसलिए थोड़ा सा अभी 10 से 20% आलू कच्चा है, क्योंकि अब हम इसे टमाटर के साथ में पकाएंगे। आलूओं को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज़ वो पूरे मैशी हो जाएंगे, कहीं दिखेंगे ही नहीं। तो बस टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए हमें इतना पकाना है, जिससे क्या होगा टमाटर अच्छे से पक जाएगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब हम देखिए आलू ये लगभग पक चुके हैं, जो मोटे मोटे पीस हैं 1-2, तो वो क्या है वो अभी बचे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी पका ले रही हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए और हम इन्हें ढकेंगे,
बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और ढक देंगे और जिससे कि आलू पक जाएं। अगर आप और भी पतले पतले आलूओं को कट करेंगी तो वो और जल्दी गल जाएंगे। अब हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली हुई है फ्रेंड्स, ये मैंने दरदरी इसको हरी मिर्च को ग्राइंड किया था तो वो थोड़ी सी सूख चुकी है इसलिए रखी हुई थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर ऐड कर दिया है। आप अगर व्रत में जो चीज़ नहीं खाते हैं उसे स्किप कर दीजिए। वैसे व्रत में काली मिर्च जब आप यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हरी मिर्च आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्राइंड की हुई रखी थी तो मैंने सोचा उसे वेस्ट ना करूं। और बस सब चीज़ें ऐड करने के बाद काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, जीरा जो है वो भुने हुए जीरे का पाउडर है, उन सभी को ऐड करके थोड़ा सा चला देंगे। और अब हम ऐड करेंगे साबूदाना जो भीगा हुआ था। तो बस आप देखिए बिल्कुल एक एक दाने अलग है साबूदाने के। कभी कभी जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो दाने बिल्कुल गलने लग जाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। खिचड़ी ऐसी होनी चाहिए कि दाने भी बिल्कुल अलग हों और पूरी तरीके से दाने पके भी हों। तो बस इस तरीके से आप ऐड करें। और अब दूसरा टिप्स मैं यहाँ पर ये दूँगी कि जब आप इसमें साबूदाना ऐड कर दें तो हम उसे फिर ज़्यादा देर गैस पर नहीं रखेंगे। अब हम बाकी का जो नमक है वो ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। बस आप ध्यान रखिएगा थोड़ा नमक हमने आलू फ्राई करते समय भी ऐड किया था। तो बस इस तरीके से जल्दी आप फटाफट चला दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप साबूदाना ऐड करने के बाद चलाएंगे गैस पे रखेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे गलने लगेगा, बहुत ज़्यादा मैशी जैसा हो जाएगा। तो बस आप फटाफट अच्छे से मिक्स करके, और बस हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल अलग है, पका हुआ है दाना, खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। आप व्रत में बनाइए या फिर बिना व्रत के बनाइए, नाश्ते में बना सकते हैं, कभी हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो भी आप बना सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस हमें ध्यान रखना है कि जितना साबूदाना लेना है उतना पानी ऐड करना है भिगोते समय, और जब सब मसाले मिक्स करें उसके बाद साबूदाना ऐड करके ज़्यादा देर ना पकाएं। बस इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।